हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल एजुकेट अकेडमिक मेरा नाम अविनाश कुमार है आज हम बात करने वाले एग्जाम पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यू एग्जाम पैटर्न नहीं कर सकते क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन किस सेक्शन से कितने प्रश्न आएंगे बेसिक्स इंजीनियरिंग से कितने प्रश्न आएंगे मैथ से कितने रहेंगे इसके ऊपर हम बात करने वाले आप सभी के कॉमेंट थे इसी कॉमेंट के आधार पर आपके मैक्सिमम कॉमेंट को रिप्लाई दे पाना बहुत मुश्किल है पर अधिकांश तक कुछ कॉमेंट को मैंने कुछ से ज्यादा कमेंट को रिप्लाई मैंने दिया है, जिनको रिप्लाई नहीं दे पाया उनसे माफी मांगना चाहता हूं ठीक है फिर भी आज हम लोग इस पर बात करते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और करना चाहते हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो डिसलाइक आप कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ रीजनिंग बेसिक इंजीनियरिंग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और जनरल अवेयरनेस के ऊपर तो सबसे पहले देखें तो आपका एग्जाम किस पोस्ट के लिए ए एल पी टेक्नीशियन टेलीकोम्युनिकेशन इसी तरह के पोस्ट जो भी टेक्निकल लेवल के पोस्ट हैं जब तक आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के ऊपर पकड़ नहीं रहेगी तब तक इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ से ज्यादा प्रश्न आपको पूछे जाएंगे थर्टी फाइव से लेकर नहीं सॉरी तीस से थर्टी फाइव के बीच में प्रश्न पूछे जा सकते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से तीस से लेकर थर्टी फाइव के बीच में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जो जेनरल अवेयरनेस है यहाँ से पंद्रह से बीस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बाकी बच जाते हैं इससे आपको पैंतालीस से पचास के बीच में क्वेश्चन रहेंगे और फिफ्टी फिफ्टी का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा यहाँ से यदि ट्वेंटी फाइव मैथ रहते हैं तो ट्वेंटी ये रहेगा या ट्वेंटी फाइव फाइव दोनों रहेंगे तो इससे आपको एक अनुमान लग गया कि किस सेक्शन से कितना प्रश्न आएगा तो आपको इसी आधार पर अपने पकड़ बनानी है तो ज़्यादा मेहनत रीजनिंग के ऊपर करना नहीं है इसको वीक में अभी एक रिवीजन रिविज़न देते हैं तो बहुत काफ़ी रहता है मैथ के ऊपर आपको मेहनत करना और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के ऊपर मैथ से ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि इस पर आप जो भी बनाते यह स्कोर होगा आप इसके ऊपर कुछ भी नहीं जानते तो एक भी प्रश्न को आप टच नहीं कर पाएंगे यदि आप नेगेटिव बनाते हैं जैसे नेगेटिव दस बनाते हैं तो उसमें दो सही होते हैं दस में जो चांसेस रहते हैं दो ही सही होने के चांसेस रहते हैं मैक्सिमम गलत हो जाते हैं आपका किस्मत लक अच्छा है तो दस में पाँच सही हो सकते हैं पर नहीं लक अच्छा है तो नहीं सही हो सकते यदि आपने दस में दो सही किया फिर भी आप काउंट कर लें आपका जो मार्क्स अर्न किए साथ हो भी गए आपने जितना मार्क्स अर्न करने जिस अर्न किया था जो आपका सॉलिड मार्क्स है उसमें से भी कट गए तो इसलिए नेगेटिव इस चीज़ के ऊपर पकड़ जब तक आपको सिलेबस के ऊपर पकड़ नहीं होगी तब तक ये नेगेटिव लग ही जाते है तो आप सिलेबस के ऊपर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत मेहनत करें आप अपने दोस्तों से पूछ लें कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के ऊपर आपने बुक क्या पढ़ रहे हैं तो उनके आधार पर आप बुक को सिलेक्ट कर लें और इसके ऊपर यदि हो सके आपके नज़दीकी में कोई क्लास हो या जो लोग भी हो जो आपको कंप्लीट करवा दें एक सिलेबस से एक मोटे तौर पर जो सिलेबस है उसके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं तो कोचिंग आप पकड़ सकते हैं नहीं तो यूट्यूब चैनल पर भी यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल हैं जो आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के ऊपर बता देते हैं तो मैथ से आपको पच्चीस पच्चीस आप रख सकते हैं पच्चीस पच्चीस प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे तो आज के वीडियो में बस इतना ही यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत